हाय गाइस, दिस इज नीतीश गुप्ता और स्वागत है आपका मेडिसिन फ्री इंडिया में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पालक के बारे में और साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि कैसे पालक का सेवन आपकी कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। और तो और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को पालक का उपयोग करना चाहिए और किन लोगों को पालक से बचना चाहिए। पालक जो कि लगभग भारत के हर हिस्से में पाया जाता है, इसकी फार्मिंग काफी इजी है, काफी आसान है, इसे आप घर के बगीचे में भी उगा सकते हैं और ये मार्केट में काफी सस्ता अवेलेबल होता है। आइए बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो इसकी 100 ग्राम की सर्विंग में एनर्जी प्रेजेंस है 23 कैलोरीज, वाटर प्रेजेंस है 91% और आपका प्रोटीन प्रेजेंस है 2.6 ग्राम, कार्ब्स प्रेजेंट है 3.2 ग्राम और फाइबर प्रेजेंस है 2.2 ग्राम। बात करें अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तो इसके अंदर जो फाइबर प्रेजेंस है जो कि मैंने बताया 2.2 ग्राम, ये आपके स्टूल को बल्कनेस देता है जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। तो यह तो हो गया इसका फायदा नंबर वन। पालक सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का, तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल है और उनका आपकी बॉडी में क्या फायदा है। बात करते हैं विटामिन्स की, तो पालक में हाई अमाउंट में कैरोटेनॉइड पाया जाता है जो कि ये फर्दर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। तो विटामिन ए के फायदे तो आप जानते ही होंगे कि यह आपकी आंखों की रोशनी को अच्छा रख करता है। सेकंड है विटामिन सी जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थर्ड है विटामिन K1, यह एक तरह का ऐसा एसेंशियल विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो पालक के लगभग एक एवरेज साइज के पत्ते में आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग आधा विटामिन K1 प्रेजेंट होता है। फोर्थ है फॉलिक एसिड या फॉलेट जिसे B9 भी कहते हैं, तो यह आपकी बॉडी की सेलुलर फंक्शन में मदद करता है और साथ ही साथ आपकी टिश्यू की ग्रोथ में मदद करता है। अब बात करते हैं मिनरल की, तो पालक एक एक्सलेंट सोर्स है आयरन का जो कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है। तो यही हीमोग्लोबिन होता है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑल ओवर टिश्यू तक पहुंचाता है। सेकंड नंबर पे जो मिनरल प्रेजेंट है पालक के अंदर उसका नाम है कैल्शियम। यह आपकी बोन्स के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ यह आपकी बॉडी में कई मॉलिक्यूल्स की क्रूशियल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो पालक में दो तरह के कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेम यही पिगमेंट हमारी ह्यूमन आईज भी कंटेन करती है जो कि हमें बचाती है हानिकारक सूरज की किरणों से। सेकंड, यह आपकी कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है। इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, एक है MGDG दूसरा है SQDG, तो यह आपकी कैंसर की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। थर्ड जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट अटैक। अब इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रेट, तो यह जो नाइट्रेट होता है आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक नहीं होने देता है, मॉडरेट रखता है जिससे आपका हार्ट रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं उनकी जिसको पालक अवॉइड करना चाहिए, तो जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें पालक अवॉइड करना चाहिए। क्यों? तो आप जानते होंगे कि किडनी स्टोन के जो दो कारण होते हैं, एक तो होता है एसिड, दूसरा होता है मिनरल सॉल्ट, तो जिसमें सबसे कॉमन होता है कैल्शियम और ऑक्सीलेट। तो अब यही कैल्शियम और ऑक्सीलेट दोनों के दोनों प्रेजेंस होते हैं पालक में जिससे आपका किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाएगा। सेकंड नंबर पर वो लोग आते हैं जिन्हें पालक नहीं कंज्यूम करना चाहिए जो कि ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि पालक के अंदर प्रेजेंस होता है विटामिन K1, हालांकि इसकी बॉडी में कई तरह के काम है पर जो इसका प्राइमरी काम है वो है ब्लड क्लॉट करना। तो ऐसे में आप जब ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेंगे और साथ ही साथ आप पालक भी लेंगे तो इससे आपका वो मेडिसिन सही से काम नहीं करेगी और पालक अपना जब काम करेगा तो इससे मेडिसिन का असर आपको नहीं होगा। तो यह थी हेल्थ टिप्स पालक के बारे में, आई होप यह आपके लिए यूजफुल होंगी। आप इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी नीड है, आप लोगों को पालक के यूजेस के बारे में बताइए और साथ ही साथ उन लोगों को अवेयर करें जिसको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, बीमारियों और दवाइयों से दूर रहिए। थैंक यू।